नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विज्ञान प्रकाश। दोस्तों आज 9 सितंबर दिन बुधवार का, शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अगर आप हैं तो हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, आईडी है स्टडी विद ज्ञान। तो उत्तर प्रदेश में जो लॉकडाउन था शनिवार रविवार का, वो भी अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब रविवार को भी दुकानें खुलेंगी। बाजारों की जो साप्ताहिक बंदी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जो व्यवस्था थी उसी के मुताबिक अब जो बंदी रहेगी वो रहेगी। बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले जाएंगे। और अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश अफसरों को दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं उन्हें गति दी जाए। और जैसा कि आपने भी देखा होगा कि जनता अब कोरोना से भय नहीं खाती है, तो लॉकडाउन का कोई मतलब भी नहीं बचता था। फिलहाल फ्रेंड्स, अब आपको स्वयं ही अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी मस्ट। आप जब भी बाहर निकलें तो मुंह को ढककर निकलें, यानी कि मास्क का प्रयोग करें, और अधिकतम लोगों से जितनी भी दूरी आप बना सकते हैं बनाएं। और अब आपका जो स्वास्थ्य है वो सर्वोपरि है, और अब इसकी देखभाल एक तरीके से आपके हाथ में है। मुख्यमंत्री ने तहसील दिवस और थाना दिवस को भी कोविड 19 गाइडलाइन के साथ संचालित करने का निर्देश दे दिया है। धीरे धीरे जो सारी संस्थाएं ओपन हो जाएंगी, और हालांकि कोरोना का जो प्रकोप है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल अब आपको अपने स्वास्थ्य की परवाह करते हुए ही अपने दैनिक जीवन को भी आगे बढ़ाना होगा। और स्कूल में बनानी होगी 6 फुट की दूरी, नहीं शेयर करेंगे कॉपी और किताबें। 9वीं से 12वीं तक के जो छात्र हैं उनके लिए स्कूल 21 सितंबर से खोले जा रहे हैं, यानी कि अगर छात्र चाहें जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हैं तो वो स्कूल जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। छात्रों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की लिखित सहमति लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी को जारी कर दिया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई एसओपी के मुताबिक स्कूलों को हर कक्षा के लिए अलग अलग समय तय करना होगा। साथ ही शिक्षकों, छात्रों और स्कूल के अन्य स्टाफ के बीच कम से कम 6 फुट दूरी सुनिश्चित करनी होगी। नियम का पालन करने के लिए जमीन पर 6-6 फुट दूरी पर मार्किंग होगी। स्कूल में छात्र आपस में कॉपी किताब या पेंसिल पेन, पानी की बोतल और टिफिन शेयर नहीं करेंगे। शिक्षकों, छात्रों और अन्य स्टाफ को समय समय पर हाथ धोना, मास्क पहनना। स्कूलों में प्रार्थना सभा नहीं होगी। और स्कूल प्रबंधन को अपने यहाँ थर्मल स्कैनर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में प्रवेश से पहले पूरे स्टाफ और बच्चों की थर्मल स्कैनिंग और ऑक्सीजन लेवल मापने की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। और विद्यालयों को ध्यान रखना होगा कि बंद कमरे की जगह खुली जगह पर कक्षा की व्यवस्था हो सकती है तो करें। स्कूल में आने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षा जारी रहेगी, यानी कि जो बच्चे चाहते हैं आना वो आए, जो नहीं आते हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो चलती रहेंगी। स्कूल की कैंटीन नहीं खुलेगी। सुबह स्कूल खुलने से पहले पूरा परिसर, सभी कक्षाएं, लैब और बाथरूम सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से सैनिटाइज करने होंगे। खासतौर पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए स्कूलों को पहले कई बार सैनिटाइज कराना होगा। अब देखिए, इनके स्कूल आने पर रहेगी रोक, यानी किसी भी क्वारंटीन जोन से आने वाले छात्र, शिक्षक या कर्मचारी नहीं बुलाए जाएंगे। बीमार, बुजुर्ग या गर्भवती महिलाओं को भी स्कूल से ही दूर रखना होगा। थर्मल स्कैनिंग में किसी के पॉजिटिव होने का शक होने पर उसे आइसोलेट किया जाएगा। आइसोलेट करने के बाद स्वास्थ्य विभाग और अभिभावकों को जानकारी दी जाएगी। पूरे परिसर के हर हिस्से को विसंक्रमित कराया जाए, नजदीकी अस्पताल से संपर्क रखा जाए। छात्रों और शिक्षकों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए काउंसलिंग की जाएगी। और देश भर के जो ITI, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र, जन शिक्षण संस्थान और राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र, ये भी 21 सितंबर से खुलेंगे। और केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों के प्रधान सचिवों को इस संबंध में दिशा निर्देश भेज दिए हैं। इन केंद्रों को गृह व स्वास्थ्य मंत्रालय की SOPs का पालन करना होगा। ये पूरी खबर आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण में फंसी 3900 शिक्षक भर्ती, बात यहाँ पर हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती के बारे में। तो शिक्षा निदेशालय में स्थित उच्च शिक्षा आयोग पर विभिन्न मांगों को लेकर अभ्यर्थियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी होने से पहले ही क्षैतिज आरक्षण के फेर में फंसी
जो ये भर्ती है अब दोबारा से पेचे में आ गई है। मंगलवार को उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के छात्रों ने उच्च शिक्षा निदेशालय किसान ने प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उन्हें क्षैतिज आरक्षण के संबंध में शासन को पत्र भेजकर दिशा निर्देश मांगे हैं। वहां से हरी झंडी मिलते ही क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण करते हुए भर्ती के लिए पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को दोबारा भेज दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश के जो अशासकीय महाविद्यालय है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। विज्ञापन संख्या 47 के बाद से अभ्यर्थी इसका लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब मिला के ये कहा गया था कि कुल 1303 पदों पर अध्याचन आयोग को भेजा था ताकि आयोग विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सके, लेकिन आयोग के निदेशक को पत्र लिखकर कहा गया है कि भेजे गए पदों के क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण निदेशालय स्वयं करे। आयोग ने अपने स्तर से क्षैतिज आरक्षण के निर्धारण को इनकार कर दिया, यानी कि 1303 पदों पर जो भर्ती जारी की जाने वाली थी उस पर जो क्षैतिज आरक्षण होता है उसका निर्धारण कहा गया कि आयोग स्वयं करे। आयोग ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और इसके लिए जो शासनादेश होगा उसी के मुताबिक हम जो विज्ञापन होगा वो जारी करेंगे और यही वजह है कि विज्ञापन अभी जारी नहीं हुआ है। हालांकि अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। और यूपी बोर्ड के बारे में बात करें तो अभी तक मात्र 6% ने ही परीक्षा फॉर्म भरे हैं और परीक्षा फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 21 सितंबर है, जबकि 12 दिन पहले मंगलवार तक 354,984 छात्रों ने ही आवेदन किया है। यदि यही स्थिति रही तो शासन को आवेदन की तिथि आगे बढ़ानी पड़ सकती है। 2020 की बोर्ड परीक्षा के लिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट में लगभग 56 लाख छात्रों ने फॉर्म भरे थे। 2021 की परीक्षा के लिए अब तक भरे गए आवेदन की संख्या देखें तो 2020 की अपेक्षा मात्र 6% है। लगभग यही हाल 9वीं और 11वीं में अग्रिम पंजीकरण का भी है। स्कूल बंद होने और कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण आवेदन भरने की जो गति है वो बढ़ नहीं पा रही है। और देखिए, सभी विभागों की भर्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण लागू करने के निर्देश उत्तर प्रदेश में जारी कर दिए गए हैं। शासन ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 का अनुपालन किया जाए। तो अधिनियम में लोक सेवाओं और पदों में सीधी भर्ती में 10% रिक्तियां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में अब जो भी भर्तियां आएंगी उसमें 10% का जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन होता है वो लागू किया जाएगा। पत्र के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 अगस्त 2020 को किए गए सरकारी गजट को संलग्न भी कर दिया है। और यूपीपीएससी आरओआरओ की परीक्षा जो कि 20 सितंबर को हो रही है और इसका एडमिट कार्ड भी जारी नहीं हुआ है और अभ्यर्थी जो है वो एक सोशल मीडिया को देखा जाए तो एक अजीब सी बात से फंस गए हैं। और सोशल मीडिया यानी खासतौर से फेसबुक में जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं उसमें कुछ ग्रुप में ये इस बात का दावा किया जा रहा है कि 2016 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। वहीं पर कुछ अभ्यर्थी इस बात का भी दावा रख रहे हैं कि क्योंकि ये 2016 की परीक्षा एक बार हो चुकी है, यह पुनः परीक्षा है, तो पुनः परीक्षा में पुराने नियम ही लागू होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एक अजीब सी बहस इसमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगी कि कुछ अभ्यर्थी इस बात का दावा कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और ये सारी बातें इसलिए सामने आई हैं क्योंकि अभी तक यूपीपीएससी की ओर से नेगेटिव मार्किंग पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, इसलिए ये अलग अलग तुक्के और अंदाज अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और अब अभ्यर्थी आधिकारिक बयान की उम्मीद रख रहे हैं कि आयोग इसके बारे में जल्दी कोई सूचना अभ्यर्थियों को देगा कि जो नियमावली लागू होगी नेगेटिव मार्किंग संबंधित वो क्या होगी। एडमिट कार्ड का भी इंतजार हो रहा है और एडमिट कार्ड 1-2 दिन में जारी होने की पूरी उम्मीद है। परीक्षा 20 तारीख को हो रही है यानी कि 20 सितंबर को, और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। और फ्रेंड्स, प्राइमरी शिक्षक बहाली प्रक्रिया पर रोक हटाने से पटना हाईकोर्ट का इनकार। पूरा मामला जो है वो दिसंबर 2019 में सीटीईटी पास अभ्यर्थियों को लेकर है। देखिए, जो बिहार के प्राइमरी स्कूल हैं उसमें शिक्षकों की होने वाली बहाली प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने से पटना हाईकोर्ट ने साफ इनकार किया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में राज्य सरकार का जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश भी दिया गया है। 15 जून 2020 को
आदेश पारित कर दिसंबर 2019 में सीटीटी पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्देश दिया गया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब इस पर जो अगली सुनवाई है वो 21 सितंबर को की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी आप कर दिया करें। और ट्विटर पर जो हमारी आईडी है, ट्विटर हैंडल, वो है @studywithgyan। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।